पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं ना इसका टैग निकालना भूल गई थी। ये भगवान, मैंने आज सुबह देखा, कल भी नहीं देखा मैंने। क्या कह रहे हो? खाना दे दो। खाना तो बोल रही थी, खाना खा लो। मखाने खाओगे क्या? नहीं, खाना खा लो। दाल चावल सब्जी बनाई है, और सुनो कल रात के दो पराठे भी खाओगे क्या? खराब नहीं हुआ है? ठीक है, खा लो। अभी शाम के बज रहे 4:30। आरो, आप देखो यहाँ पे कितना गंदा हो गया है। सब सारे कपड़े ना ऊपर से नीचे गिर गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज से लू चली है, वो भी मिट्टी वाली लू चली है। सारे धुले कपड़े गिर गए, देखो सब मिट्टी मिट्टी लग गई है। कपड़े तो मैं उठा लाई, सब बहुत सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, मतलब रेत मिट्टी सब कपड़ों पे चला गया। अब ये ऐसे ही होगा, अब पूरी गर्मी में ना यहाँ पे ऐसे ही होता है, बहुत धुलाता है। तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं उसे, हिमांशु तो अभी सो रहे हैं, तो उसे मैं चाय बना लूँगी, फिर उनके बाद उठाऊँगी। और अभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है चाय पीने का, और मुझे लग रहा ना मेरी आँख में इन्फेक्शन होने वाला है शायद, क्योंकि ना लाल लाल शायद थोड़ी आँखें मेरी हो रही हों, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, पता नहीं धूल चला गया कुछ तो चला गया, दोनों आँख में दिक्कत हो रही है। चाय चाय पी लो, उठ जा चाय पी लो। हमने चाय पी लिया है, हिमांशु ने भी पी लिया, और अभी ना बाहर से जो धूप है ना वो चली गई है, क्योंकि टाइम 5:30 के करीब का हो रहा था, तो तब तक ना यहाँ से धूप चली जाती है। तो ये थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है, नीचे कंक्रीट वगैरह है, तो इसमें घास लेकिन हमेशा जम जाती है, यहाँ पर पानी वानी भी जाता रहता है ना, तो उसकी वजह से घास भी जम जाती है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना इसको साफ़ करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर ये कहो कि आलस कर दे रही थी, साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि ना इसको साफ़ करके ना यहाँ पे जो जड़ी बूटी का फूल आता है ना वो मैं लगा दूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर ना ये वाला प्लांट, देखो ये वाला पौधा, ये घर के बाहर मेरे बहुत सारा मैंने लगाया हुआ, तो उसमें फूल खिलते हैं, और ये है तो कहीं भी, ये ऐसा फूल है ना कहीं भी जम जाता है, और बहुत ही आसानी से थोड़ी सी मिट्टी में भी हो जाता है। यहाँ पे प्लांट जो है ना फूल के पौधे मैंने लगा दिए हैं, अभी देखते हैं खिलता है कि नहीं, क्योंकि उसके नीचे ना मिट्टी नहीं है, बिल्कुल बंजर सा है, बस ऊपर ऊपर ही एक दो लेयर मिट्टी है, लेकिन मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैंने ये सारे जगह, हर जगह पे ये सब मैंने पानी वानी डाल दिया, सारे पौधे को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, धुल दिया है, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी ना जमा हो जाती है, तो सब मैंने पानी डाल दिया है। तो मेरा ये डेली का ही रूटीन है, शाम को मैं डेली ही पौधों में जो है पानी डालती हूँ। और आपको एक चीज़ दिखाना है, ये देखो यहाँ पे ये टमाटर निकल आए हैं, मैंने इस प्लांट को लगाया नहीं था, लेकिन ये ना अपने आप ही यहाँ पर निकल आए हैं। तो एक पेड़ ये टमाटर का, एक पेड़ ये है, दो पेड़ है यहाँ पे, तो इस पे तो बहुत सारे टमाटर निकले हैं। तो मेरा घर का हो गया काम, शाम का जो रूटीन होता है वो हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ वॉक पे। देखो ये कौन मिल गया मुझे, ऑस्कर और ऑस्कर के डैडी। ऑस्कर वो कल के आ गया, मिला बेटा वो कल के आ गया, अब मम्मा जा रहा है, ठीक है? अच्छा हो गया। क्या हो गया? बाय बाय। देखो अब इसने मुझे देख लिया ना, अब नहीं जा रही है, चलो अब घर छोड़ के आना पड़ेगा। चलो ऑस्कर, चलो चलो, देखिए मैं घर आ रही हूँ कि नहीं, चलो वॉक करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:40। तो ये है सोसाइटी जहाँ पे मैं रहती हूँ, और डेली मैं यहीं पर वॉक करती हूँ। बहुत अच्छी सोसाइटी है यहाँ पे, वॉक करने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो गाइज मैं वॉक करके आ गई हूँ, मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है, और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है, आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने ना क्या क्या तैयारी करी है। तो ये है पनीर जिसको मैंने काट लिया है, और ये मिक्सी में मसाले हैं, इसमें मैंने ना दो प्याज, दो टमाटर, इतना बड़ा अदरक, लहसुन,
मैंने ना तेल में फ्राई करके उसको ठंडा करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पनीर बनाना। तेल एकदम गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद जब जीरा हल्का सा ब्राउन हो गया फिर मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी। तो मैं पनीर जब भी बनाती हूँ ना तो कसूरी मेथी तो मैं ज़रूर डाल देती हूँ, उससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में। उसके बाद से जो मैंने मिक्सचर पीसा हुआ था तो वो मैंने मिक्सचर मैंने डाल दिया है। इसके बाद से जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो वो मैंने अच्छे से उसमें डाल दिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। अच्छा, पानी के लिए जिस मिक्सर में मैंने मिक्सी में पीसा था ना उसी में थोड़ा मसाला लगा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले में डाल दिया है। अब मसाले को थोड़ी देर मैंने यहाँ पे पका लिया है। जब मसाला अच्छे से पक गया है तो फिर मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच के लगभग, जो घर की मलाई होती है ना जो हम डेली दूध से निकालते हैं, तो वो 2 बड़े चम्मच मैंने वो मलाई डाल दी है। तो मलाई को मसाले के साथ मैंने पकाया और जब वो तेल छोड़ने लग गया फिर उसके बाद से मैंने उसमें डाल दिया है पानी। पानी अपने हिसाब से, जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल दिया है मैंने, क्योंकि चावल से भी खाएंगे हम लोग तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी रखनी थी। उसके बाद से जो मैंने पनीर कट किए थे वो मैंने डाल दिया है। सब थोड़ी देर में खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ मैं, जो सुबह से व्रत रहता है ना, फिर वॉक पे भी चली गई थी, फिर उसके बाद से खाना तुरंत खाना बनाने लग गई, थकान सी लग रही है, तो बस अब खाना वाना खा के फिर आज मैं जल्दी से सो भी जाऊँगी। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, जो इससे पहले था वो मंडे का था, ये मंगलवार की सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे 7 और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। अभी मैंने जस्ट गर्म पानी पिया है और उसके बाद मैंने अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। मैं यहाँ पे सीधे आ गई हूँ भिंडी काटने के लिए, क्योंकि भाई को और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनके लिए उनके जो ब्रेकफास्ट है ना वो मैं बना दूँगी, ताकि उनको टाइम पर नाश्ता है ना वो मिल जाए। अभी वो लोग सो रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर में उन्हें उठाऊँगी। तो आज भिंडी की सब्ज़ी, जो भुजिया सब्ज़ी होती है, और पराठे, वही मैं आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ। तो चलिए बना लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे तेल डाला है, उसके बाद से मैंने डाला है इसमें अजवाइन। और भिंडी की सब्ज़ी में ना मैं पहले अजवाइन नहीं डालती थी, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि ना आप उसमें अजवाइन डालो, बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप मुझे बताना कि किसने मुझे बताया था। और उसके बाद से मैंने उसमें हल्दी और नमक और थोड़ा सा मैंने उसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है, और उसके बाद डाल देंगे भिंडी और अच्छे से कर दूंगे मिक्स और सब्जी हमारी बन जाएगी। छोटू उठ जा भाई, 8:30 बज गया, ऑफिस नहीं जाना, उठ जाओ, चलो चलो उठ जाओ, चाय बन गई, आ जाओ, चलो आ जाओ। और ये आटा निकाल लिया मैंने गूंथने के लिए। तो आपको जैसे पता है लेफ्ट हैंड से आटा तो मैं गूंथ नहीं सकती हूँ, तो मैं सिर्फ राइट हैंड से ही आटा गूंथती हूँ और राइट हैंड से रोटी भी बेलती हूँ। आटा गूंथ के मैंने आटा को सेट होने के लिए रख दिया है और ये दोनों भी अब उठ गए हैं, तो अब चाय छान लेती हूँ मैं। ये लीजिए चाय। गुड मॉर्निंग। रख दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बैठ के चाय पी ली थी, सब्जी मेरी बन गई है, आटा भी गूंथ के रख दिया है, फटाफट पराठे बना लूंगी। और अभी तक ये लोग रेडी हुए भी नहीं है, मेरा नाश्ता जो है ना बन के तैयार है, समझे? बहुत भारी नाश्ता है। भारी नाश्ता क्या मतलब? पराठे सब्जी है, और कुछ खाना था क्या है? क्या खाना था? ढोकला। ज्यादा ही नाटक। ढोकला, छोले भटूरे। क्या खाना है? चाय पीनी थी। नहीं, आप अभी कुछ कह रहे थे ना, बोलो फिर वही चीज बोलो। चाय और बस। बस नाटक। अभी क्या बोल रहे थे? छोले भटूरे खाने हैं। सुबह सुबह छोले भटूरे खाओगे 8 बजे? तो गाइस मैंने पराठे भी बना दिए हैं, सारे पराठे बन चुके हैं, ये देखो सारे पराठे बन चुके हैं। और इस तवे का प्रॉब्लम एक बताओ क्या है, जब इस पराठे बनाओ ना तो ये देखो साइड साइड में कितना चिपक गया है। एक दिन और बनाया था तो मैंने उतने अच्छे से धोया नहीं, आज बनाया तो अभी ये पूरा चिपक गया। मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी इसको छुड़ाने में। इस बाय बाय टाटा। हिमांशु पानी की बॉटल रखी है, बाय बाय। छोटू को तो ऑफिस में मिल जाता है, चलो बाय। वापस कर देना जरूर से। हाँ,
टोपी क्या आप और क्या याद दिला देना फोन करके। नहीं अब याद क्या दिलाना है, चलो बाय बाय। तो ये लोग अब चले गए हैं ऑफिस, बस अब मैं हूँ घर पे और मेरी गुड़िया ऑस्कर है। अब मैं चलती हूँ घर की क्लीनिंग के लिए, फिर मैं उसके बाद नहाऊंगी, अभी मैंने नहाया नहीं है। सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत बिजी होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही काम होते हैं। फिर उसके बाद आराम से दोपहर तक, शाम तक फिर कोई काम नहीं रहता, फिर आराम रहता है। तो गाइज मेरा सारा काम हो गया है, घर का सब ए टू जेड सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली मैंने नहावा लिया है और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए एक बढ़िया सी चाय। जब ये लोग काम पे चले जाते हैं ना उसके बाद मैं आराम से एक कप चाय बनाती हूँ और मैं उसको आराम से पीती हूँ। उस चाय पीने का जो मज़ा है ना वो एकदम अलग होता है, आप लोग समझ सकते हैं। जिनके हस्बैंड या घर में बच्चे हैं तो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद जब आप वो सुकून वाली चाय पीते हो तो कैसा लगता है आपको, मुझे ज़रूर बताना। जी ना, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने आपको मेरे एक ट्राउज़र दिखाया था, ये वाला जो कल मैं वॉक करने गई थी ना, फिर मैं ये पहन के गई थी और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना इसका टैग निकालना भूल गई थी। ये भगवान, मैंने आज सुबह देखा, कल भी नहीं देखा मैंने, आज सुबह जब मैं इसको रख रही थी ना मैंने सोचा देखूँ उसको, फिर मैंने देखा कि ये टैग इसमें लगा हुआ है। मुझे इतनी एम्बैरस हुआ, मुझे ना पता नहीं किस किस लोगों ने मुझे देखा होगा और मैं इसी मजे से वॉक करने में लगी हुई थी। अब सोच के मुझे बहुत ही एम्बैरसिंग हो रही है, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया वो तो हो गया, बट ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ।